और उदयपुर में कन्हैया लाल की दुंदहाड़े हत्या को लेकर आगरा में भी बवाल देखने को मिला है। यहां हिंदूवादियों में भारी आक्रोश है और आगरा में हिंदूवादी संगठनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोपियों को फांसी की मांग की है। आक्रोशित हिंदूवादियों ने राजस्थान सरकार की बर्खास्तगी की भी मांग उठाई। आपको बता दें कि आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें योगी और मोदी के सर काटने का बयान देने वालों के जो सर काटेगा उसे अखिल भारत हिंदू महासभा 2 लाख रुपए का इनाम देगी। इस तरह की बयानबाजी इस वक्त सामने आ रही है और आपको तस्वीरें दिखा दें यहां पर कि जमकर बवाल किया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है और लगातार इन तमाम अपराधियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस सरकार में उदयपुर के अंदर एक कन्हैया साहू की नशंस इस्लामिक आतंकवाद से प्रेरित होकर मात्र नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करना जिस तरीके से भारी पड़ा है, उससे ऐसा लगता है इस्लामिक जो आदर्श कुरान और मदरसे जिस तरीके पूरे देश में चल रहे मदरसे आतंकवाद का अड्डा है। यह बात देश की बड़ी इंटेलिजेंस भी कह चुकी है कि अड्डों और मदरसों में इनको तैयार किया जाता है और माननीय प्रधानमंत्री का सिर कलम करना और नुपुर शर्मा के सिर कलम करने की बात कई जिन लोगों ने कही है। हिंदू महासभा निश्चित तौर पर 2 लाख रुपए का नगद इनाम उस व्यक्ति को देगा जो ये 2 व्यक्ति के सिर काटकर हम लोगों के पास लाएंगे और हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के खाते से ये 2 लाख रुपए सीधे उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। वो दो लोग जो भी हैं हम लोगों को नहीं मालूम है, वीडियो में हम लोगों ने देखा गया है, वीडियो में दिखाया गया है। और 12 बजे आज हम लोग हवन करेंगे मातात्मा की शांति के लिए पचकुइयां पर और एक शोक सभा का भी आयोजन हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा मात्र कहना यह है कि योगी जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी नुपुर शर्मा की और साथ में जो हिंदूवादी कार्य कर रहे हैं इनकी सुरक्षा को तगड़ी कराई जाए।